भाई हम लोग आज गढ़वा जा रहे हैं। बस बैठे हैं लमसम 6-7 साल हो गई ब्याह हुआ। नहीं 6-7 साल नहीं, गढ़वा पहली बार बस से जा रहे हैं। हाँ गढ़वा के पहले बस से नहीं गए, ये हमारा बस का पहला सफर है गढ़वा के लिए। काफ़ी मजेदार जर्नी है। मेरे सामने कोयल नदी है, पहले कोयल नदी का व्यू दिखाते हैं। देखिए हमारा कोयल रिवर है जिसका थोड़ा नदी रिवर डिपेंडेंट है, पूरा नहीं बोलेंगे 50%, बाकी तो 50% आवाना पर डिपेंड। सामने हमारा बस भी खाली है, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई पैसेंजर्स वगैरह नहीं है, बस खलासी भी दिख रहा है, बाकी सब खाली है। गाइस हमारा कुछ सफ़र ऐसा मज़ेदार हो रहा है अभी गढ़वा के डाल्टनगंज। ये लोग शाहपुर किला के पास पहुंच गए हैं, देख सकते हैं ये किला जो है ना वो पलामू किला से कनेक्टेड है। लोग ऐसा बताते हैं बट जाकर मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन ये शाहपुर का किला है। पेट्रोल पंप था भाई, पेट्रोल पंप गायब हो गया लग रहा है, पेट्रोल पंप नहीं दिख रहा है, लेकिन पेट्रोल पंप गया कहाँ? पेट्रोल पंप आगे अच्छा आगे पीछे था, मैं क्रॉस कर गया हूँ। इधर बेकरी वगैरह शॉप वगैरह देख सकते हैं, आने के इधर स्कूल बस वगैरह क्रॉस करते रहता था, थोड़ा सा आराम आराम से मेरी बस चल रही है, देख सकते हैं गाइस। अभी स्कूल वाला टाइम है ना, छुट्टी वाला, तो बस थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हाँ टायर पंचर वगैरह भी बनता है इधर, ज़रूरत का सामान मिलेगा आप लोग को। भाई देख सकते हैं शाहपुर चौक के पास पहुँच गए हम लोग। अरे चौक से हमारी बस जो है ना उस रोड में, उस वाले में टर्न कर रही है, अभी हम लोग उस रोड में चलेंगे और इस रोड से हम लोग आए हुए थे। देख सकते हैं इधर से आ रही है गाड़ी, तो इधर से होते हुए देख सकते हैं माई मेदिनी नगर लिखा हुआ है, वेलकम टू माई मेदिनी नगर MMC इनॉग्रेटेड बाई अरुणा शंकर। तो ठीक है वो सब चलेगा, बट हम लोग अभी इस रोड में चलने वाला है। फोटो भी आप बोलिया पैसेंजर को ऐसे हमारा देख हो रहा है, क्या छोड़ेगा बहुत यार, बहुत धीरे धीरे बस चला, रोक भी दिया, रोक दिया ना, क्योंकि इनको पैसेंजर चाहिए, हमें जल्दी पहुंचना है, तो दोनों का टाइम मैच नहीं कर पा रहा है। जब भी आना भी है उधर से लौटना भी है, हमारे पास टाइम नहीं है। 7 साल का एक्साइटमेंट तो पहली बार वाला अलग है, तो हम लोग मजे में जा रहे हैं। हमारी बस रुकी हुई है, पैसेंजर अच्छा लग रहा है ना, पैसेंजर का वेट कर रहा हूँ लगा, जल्दी आके मरेगा तो जल्दी जाएंगे हम लोग, जल्दी जाएंगे बस थोड़ा सा इंतजार करते हैं हम लोग, थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा। हम लोग का यहाँ 5 मिनट का हाल्ट है, देखते हैं कंडक्टर साहब बोले हैं कि 5 मिनट में यहाँ हाल्ट है, अगर सवारी नहीं मिलेगा तब तो रुकना बेकार है। हाँ मिल गया तो सही है, मिल जाएगा तो अच्छा बात है, जल्दी भी हम लोग का बस चलेगा, किस्मत अपना अपना का, देखते हैं आगे क्या होता है, कब खुलती है बस दिखाएंगे आप लोगों को, दिखाएंगे अगला। 5 मिनट हो गया भैया बस नहीं खोल रहे हैं, बढ़िया कुछ कहना चाहेंगे क्या आप? अरे क्या करें आज बहुत चक्कर में पड़ गया, पड़ गया भैया बस नहीं खोल रहा था, खड़ा हो गया कह रहे हैं 5 मिनट 5 मिनट, अरे 5 मिनट का वक्त क्या, कब कटेगा हमारी, कब बस खुलेगी वो पता नहीं यार। पैसेंजर तो उठवा गए हैं, तो बस का रुकना सफल हुआ है, थोड़ा सा भैया हमारे और वेट कर रहे हैं, कहते पैसेंजर और आएंगे, इसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ से। हमारी बस खुल रही है बहुत इंतजार करने के बाद, ओहो फिर से ब्रेक लग गया गाड़ी का, कोई आ रहा है क्या भाई? गढ़वा कोई नहीं है भैया, गढ़वा 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 का कोई पैसेंजर आएंगे तब हमारी बस खुलेगी। अच्छा एक ठो और आ गया भैया, चलो दो पैसेंजर आए हैं तो इससे चलो ठीक है रुकना, चार लोग आ गए क्या, हम लोग को उस वाले रास्ते में चलना है, हम लोग उस वाले रास्ते में चलेंगे जिससे ओमनी आ रही है, और हमारी बस जो है उधर की मुड़ गई है, और हम लोग अब सीधा चलेंगे, आई थिंक ब्रेक कहीं नहीं लगाना चाहिए। देखिए इधर पूरा अभी भी बुला रहे हैं, गढ़वा गढ़वा गढ़वा, आगे का पूरा सीट खाली है ना, अभी देख सकते हैं पूरा खाली है गाइस, इधर भी खाली है। हमारा तो डाल्टनगंज का प्यारा सा व्यू है, कोयल नदी के सामने से कुछ ऐसा दिखता है, वैसे नदी में पानी तो दिख रहा है, और स्पीड लिमिट भी 30 किलोमीटर दिया हुआ है, पीपल का पेड़ सामने घर, ऐसा बहुत सारे पेट्रोल पंप मिलेंगे जहाँ आप गाड़ी वगैरह रिफ्यूल कर सकते हैं, या जब भी ट्रैवल करेंगे तो कोई कोई व्हीकल्स लेके लिए ट्रैवल करेंगे, पुराने बिल्डिंग दिखेंगे, ट्रांसफार्मर दिखेगा, पेड़ पौधे दिखेंगे आपको। ओह नो ये तो कट गया। तो गाइस भैया आ रहे हैं भाड़ा के लिए, और हमसे डिमांड करेंगे पैसा वैसा लिए हुए, हाथ में देख सकते हैं आप लोग, पैसा भी देना पड़ेगा लगता है। मैंने आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग पूछेंगे कि भाड़ा कितना है, क्योंकि अपने को आइडिया नहीं है कि कितना पैसा लगता है, ये हमारा पहला सफ़र है, तो थोड़ा सा इंक्वायरी करना पड़ेगा, लेकिन भैया जब देखें तब तो लोग इंक्वायरी करे तो
एक बार देख लीजिए, मुड़ के पैसा नहीं लेना यार। भैया नहीं देख रहा, पैसा नहीं लेंगे। 10 रुपया चेंज मांग रहे हैं, अब लगता बोलेंगे। कितना कितना जगह भैया? 60 रुपया भाड़ा है। देखिए हम लोग तो 60 रुपया बार्गेनिंग कुछ की जाएगा पड़ेगा। बोले 100 रुपया देना, 120 रुपया देना है। देख लिए, 20 रुपया देना ही पड़ेगा हम लोग को, कोई ऑप्शन नहीं है का। तो गाइस हम लोग अपना फेयर पे कर चुके हैं, भैया तो नोट गिन रहे हैं। अभी तो ऐसे 60 रुपये हम लोग इस सफर को कंप्लीट करेंगे। 60 दुनिया 120। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ गढ़वा 27 किलोमीटर, बोर्ड लगा हुआ 27 किलोमीटर पीछे अपने डेस्टिनेशन से, लेकिन पहुंचेंगे बहुत जल्द हम लोग। आपको बहुत पहले से नहीं पता ये कहाँ है? नहीं नहीं, हाँ यहीं पे है, जस्ट बगल में। अच्छा, ये फैक्ट्री है क्या इधर? हाँ, ये गोदाम है वाइन शॉप का, इसका किसी का वो लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, पूरे झारखंड का मैंने पूरे पलामू में यहीं से सेल होता है। अच्छा, ऐसा हो गया है। इधर भी बहुत अच्छा पेट्रोल पंप है, यहाँ भी और इधर का प्यारा सा व्यू देखिए आप लोग। कुछ ऐसे अच्छे अच्छे व्यू के साथ आप लोगों को गढ़वा का सफर करने को मिलेगा, जहाँ पे आप हरे भरे पेड़ पौधे के साथ प्यारा सा व्यू ले सकते हैं। और बस रोड किनारे काम लगा हुआ है, जहाँ पे देख सकते हैं जेसीबी वगैरह काम कर रहा है भाई। इसके साथ ही ये लोकल बस है, तो पैसेंजरों का उतरना वगैरह लगा हुआ रहता है। बीच बीच में स्टॉपेज ये आपको मिलेगा देखने के लिए, जहाँ पे पैसेंजर उतरेंगे, बस चलेगा रुकेगा, ये पता नहीं कितनी बार होगा। और बस इसी वाइब्स को इंजॉय करते हुए हम लोग रास्ते का ग्रीनरी वाला सीन भी देख रहे हैं, जहाँ से पहुँचे लोग तिल लाख के पास। ये बैरिकेड देख रहे हैं तिल लाख में गाइस, और यहाँ पर कोई जग यग वगैरह भी कुछ हो रहा था, तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे, शायद कोई पैसेंजर यहाँ ना हो, होप सो, ताकि गाड़ी ना रुके। और देख सकते हैं बस पहुँच गया ग्रीन महफिल में, जहाँ एक अलग लेवल का एंजॉयमेंट था इस सफ़र में। पहला सफ़र तो था डाल्टागंज से गढ़वा, लेकिन मानना पड़ेगा यार बहुत अच्छा सफ़र है हमारा। इसी के साथ हम लोग रोड के किनारे देखते जा रहे थे, और यही थे कुछ ना कुछ बोर्ड देखने के लिए मिल रहा था, बोर्ड रोड कार कुछ ऐसा ही सीन वाला चल रहा था, ऑटो भी पीछे नहीं था दोस्त। और इसी के साथ साथ पहुँच रहे थे गढ़वा, लेकिन हाँ यार पैसेंजरों का उतरना चढ़ना ये बार बार थोड़ा हो रहा था, बट ये क्या, ये तो चंदा के लिए भाई साहब पहुँच गए, बट कोई नहीं, ये सब मैनेजेबल है, चाचा मैनेज कर ले रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हम लोग गढ़वा के काफ़ी करीब हो गए हैं, और फिर भी पैसेंजर का उतरना लगा हुआ है। जिसका घर जहाँ भाई वहीं उतरेगा। लोकल बस में सफ़र करने का एक अलग मज़ा आता है, जहाँ पर आप अपने हिसाब से सफ़र कर सकते हैं। साथ ही हमारा भी डेस्टिनेशन आ गया था, जहाँ बस से उतरा। और भाई हम लोग का थोड़ा प्रमोशन हो गया, अभी आने से थोड़ा बस में आते, लेकिन जाने से सोचे कि बस से पंगा नहीं लेते हैं, क्योंकि बस का जाने से बोरिया आ गए थे हम लोग। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम लोग कार से जाते हैं, तो जस्ट वहाँ पे उतना ही था, तो अपना जुगाड़ बैठ गया इधर। तो फाइनली इधर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, और अभी हम लोग जा रहे हैं रिटर्न से डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो काम था छोटा सा वो हमने बैठ कर किया था, बहुत मजे से काम हुआ, और काम होने के बाद निकल गया। 7 साल के बाद यार बस से बैठने का मौका भी मिला था, जो सेकंड टाइम हमने गवा दिया रिटर्न होने टाइम। क्या छोड़े भैया, दोबारा से लोग जो भी बस में बैठते हैं वो भी गया। बस में फिर पता नहीं यार कब बैठेंगे, क्योंकि बाकी का बस जर्नी मस्त मजे में कट रहा है, अपना इधर ड्राइविंग स्किल चल रहा है। सो गाइस कुछ ऐसे ड्राइव कर रहा हूँ कार को कि आने टाइम तो बहुत मजा आता, साइड व्यू वगैरह सारा देखते चल रहा था, इधर उधर देख रहा था कि भाई कौन सा व्यू किधर आने वाला है, क्योंकि इधर आगे से डेंटल कॉलेज का रास्ता गया हुआ है, तो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। और अभी ड्राइव करने में और मजा आ रहा है, क्योंकि लेकिन बैठने का एक अलग मजा है, बैठ कर देखा मैं अभी, बहुत चिलनेस फील हो रहा था, और एक अच्छा राइड हमने कंप्लीट किया, आपने वीडियो में देखा है। तो कुछ इसी तरीके से हमारा जर्नी कट रहा है, और हम लोग ऐसा ही पहुंच रहे हैं डाल्टागंज। तो गाइस पहुंचते हैं डाल्टागंज, फिर मिलता हूं आप लोग से। सो गाइस ये वही नदी है जो हमने छोड़कर वहां पे आया था डाल्टागंज से निकलते टाइम, जो रिवर हमने क्रॉस किया था, कोयल नदी। ये भी कोयल नदी है, तो मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट एक राउंड लगा चुका हूँ कोयल नदी का। देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है, पानी भी थोड़ा है तो देखने में और अच्छा भी लग रहा है, तो रेलवे ट्रैक वगैरह सब बना हुआ है। और ये हम लोग चल रहे हैं मेन रोड पे, जहाँ हम लोग गाड़ी चल रहा है, तो रेलवे ट्रैक उधर था, ये हम लोग मेन रोड पे चल रहे हैं। नदी का व्यू ऐसा था, और हम लोग आ गए हैं रेहला।
तो देख सकते हैं नगर परिषद विश्रामपुर में आपका स्वागत है लिखा हुआ है। एरिया जो है विश्रामपुर में पड़ता है रेहला। तो रेहला का कुछ व्यू प्यारा सा गाइज ऐसे है, आप जो देख रहे हैं यहाँ भी शायद बैरिकेड वगैरह लगा हुआ है, वो पुलिस लोग का थाना वगैरह यहाँ कुछ है। बस से लोग उतर गए हैं, क्या खड़े हो गया? बस से नहीं, हमारा प्रमोशन हो गया, मेरा कार पीछे लगा हुआ है तो हम लोग बस से उतरे, लेकिन हम लोग को कार से चलना है। और अभी हम लोग रुके हुए हैं, थोड़ा सा भूख लग गया था तो कुछ खाने के लिए। और ये इधर ही हम लोग खाना खाएंगे, अभी ऑर्डर में खाना कर दिया, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं खाना का और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे इसी कार से। है मेरा पीछे कर ला छोटा भाई। सो गाइस दोस्तों, हम लोग आइसक्रीम ले ली है, ऐसे पनीर और रोटी हम लोग खा लिए, पनीर बटर मसाला रोटी हमारा ऑर्डर था, एक छोटे भैया के लिए एक मेरे लिए। तो अभी आइसक्रीम खाएंगे हम लोग, आराम से जाएंगे, उससे पहले थोड़ा सा पानी पी रहे थे, प्यास लगा। पानी बटर करना छोड़ेगा इधर है, पानी तो हम भी पियेंगे, ज़्यादा मत पीना और हमको भी पीने देना, कहे कि पानी का क्वांटिटी थोड़ा सा कम है, आगे में ले लेंगे। अभी काम चलाना है तो पानी पी लिए हैं, तो थोड़ा खोल लेते हैं कि चलाते चलाते खाने में भी मजा आएगा। हालांकि आप लोग ऐसे ट्राई नहीं कीजिएगा, चलाते चलाते नहीं खाना चाहिए ऐसे, थोड़ा सा। अरे डस्टबिन तो इधर है नहीं गाइस, तो सोच रहे थोड़ा यहीं गिरा देते हैं, चलेगा, क्या काम बढ़ाना चाहिए।